सवाना खेत में मैंने एक रूम ले लिया ये गेस्ट हाउस से पीछे, और सवाना खेत से मतलब सवाना खेत का जो बस स्टेशन है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर ही मैंने ये कमरा लिया है। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि सवाना खेत में आप क्या क्या देख सकते हो, किस प्रकार विनती इनकी बस बुक कर सकते हो। सबसे पहले जाएंगे हम मेकोंग नदी को देखने, जो फेमस रिवर है अपने पूरे एशिया की। चलते हैं। सबसे बड़ी सिटी यार ये सवाना खेत, सबसे बड़ी सिटी। मतलब मैं अभी तक गांवों से ही सफ़र करके आ रहा था, लेकिन कोई भी बड़ा शहर मुझे लगा नहीं था। सबसे पहला बड़ा शहर लगा ये सवाना खेत। सारे ऑफिस, सारे बिग बिग शोरूम्स यहाँ पे नज़र आते हैं हमें। मेकोंग रिवर को अगर देखना हो ना दोस्तों, तो थाईलैंड और लाओस का फ्रेंडशिप ब्रिज है, यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से हम मेकोंग रिवर का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नज़दीक का रास्ता ढूंढते ढूंढते मेकोंग के किनारे पहुँच गया हूँ, लेकिन क्या मालूम अभी ये रास्ता वहाँ जाएगा या नहीं। हाँ यस, रास्ता तो जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं है वहाँ। चलते हम नीचे की तरफ। बाप रे, क्या नदी दिख रही है यार मेकोंग। एक्चुअली दोस्तों, जो मेकोंग रिवर है ना, उसके ऊपर एक ही ब्रिज बना है जो थाईलैंड लाओस फ्रेंडशिप ब्रिज कहलाता है। इसलिए ऐसा प्रॉपर कोई भी वे नहीं है कि हम मेकोंग रिवर को देख सकते हैं। उस ब्रिज पे ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मेकोंग रिवर वहाँ से दिख रही थी, लेकिन वो एक बॉर्डर का काम करती है थाईलैंड और लाओस का, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं। तो मुझे दो जनों ने वहाँ रोका, बोले क्या कर रहे हैं आप। मैं बोला मैं मेकोंग रिवर देखना चाहता हूँ। बोले आपको ब्रिज में जाना पड़ेगा, ब्रिज से आप जो लाओस की साइड है वहाँ से आप देख। मैं वापस आ गया मेकोंग को देखने के लिए। वो लोग बोले आप जाओ, लेकिन देख के वापस जल्दी आ जाइए, पानी में मत उतरिए, पानी बहुत गहरा है ये तो। अरे बाप रे, बहुत ज़बरदस्त रास्ता है भाई। अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। इस रास्ते से मैं आया है दोस्तों, अपनी एशिया की नहीं तो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जो पहले 10 या पहले 15 में आती है, ऐसी ये मेकोंग नदी आप देख रहे हैं यार। लगभग चाइना से निकलकर चाइना, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और मेरे ख्याल से कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद में फिर से वियतनाम जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है। वियतनाम में सबसे बड़ा डेल्टा इसी नदी का है, मेकोंग नदी का है। अगर हम होचिमिन सिटी अगर हम विज़िट करते तो ज़रूर हम वहाँ जाते, लेकिन हमने होचिमिन विज़िट नहीं किया इसलिए हम वहाँ गए नहीं। मेकोंग का डेल्टा बहुत बड़ा फेमस डेल्टा है होचिमिन का, मतलब होचिमिन से भी आगे जाना पड़ता है हमको, लेकिन बहुत ही बड़ा डेल्टा रहता है ये। जैसे अपने गंगा का सुंदरबन का डेल्टा होता है, वैसे ही मेकोंग का ये पूरा ये एरिया रहता है। और ऐसी वैसी कैसी तो भी जगह ढूंढ के निकली मैंने मेकोंग को देखने के लिए। और वो सामने दूर पे वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वही है थाईलैंड लाओस का फ्रेंडशिप ब्रिज। मतलब अभी हम जो खड़े हैं ये लाओस में, और नदी के उस पार जो है वो थाईलैंड है पूरा। ऐसा ये मेकोंग थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर का काम करती है, जो सवाना खेत में है अभी। ये देखिए, ये भाई साहब भी बोल रहे हैं कि वो थाईलैंड में है, हम लाओस में अभी। मीन्स दिस इज थाईलैंड दैट इज दिस इज लाओस दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड दैट फ्रेंडशिप ब्रिज। एक्चुअली इन्होंने मुझे जाने को कहा था कि आप जाओ और देख के आओ, इसलिए भी उनका शुक्रिया किया मैंने कि अच्छा हुआ आपने मेकोंग नदी आपकी वजह से मैं देख सका। और अभी हम चलते अभी आगे की तरफ। सवाना खेत का ये कोई तो भी मंदिर है, और ब्यूटीफुल मंदिर नज़र आ रहा है, इसलिए मैं अंदर आया देखने के लिए। एक्चुअली हम यहाँ से भी मेकोंग नदी का दृश्य देख सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरा पैक करके रखा है ये।
और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। इट्स नाइस। ये जो दिख रही है वो मेकोंग, और मेकोंग के ही सामने ये देखिए ना कितना मस्त ये खूबसूरत स्तंभ और मंदिर की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत ये लग रही है यार। लाओस के मंदिरों का क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मंदिर देख के। और एक मंदिर बहुत ही खूबसूरत ये दिख रहा है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। जबरदस्त नक्काशी। तो ये आ गए अभी हम सवाना खेत के बस स्टेशन पे, हम अभी आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अभी पूछताछ करते हैं कि कब बस रहेगी वियनटाइन के लिए। काफ़ी लग्जरियस बस लग रही है ये देखिए। ये यहाँ पे बोर्ड है ये सवाना खेत बस स्टेशन का। अब हम अंदर चल के इसका टाइम टेबल देखते हैं। यहाँ से लाओस से थाई इंटरनेशनल बस भी चलती है जो सवाना खेत से मुख दहन जो थाईलैंड में है वो बस चलती है। बहुत सारी ट्रिप्स उसकी होती है। सवाना खेत से हुए की तरफ भी जाती है जो वियतनाम में, सवाना खेत दानांग भी जाती है, सवाना खेत पाक्से। तो हम अभी उनसे पूछते हैं कि वियनटाइन का टाइम क्या है, टिकट प्राइस क्या है। पूछने गए तो बोले वो उधर टाइम टेबल है, आप देख सकते हो। सवाना खेत से वियनटाइन सुबह 6:40, 7:20, 8:09, रात के 8 बजे तक है। थाके की भी बस है यहाँ से। पाक्से की भी सुबह 7 बजे है और शाम को 5:30 बजे है। ऐसी बसेस है। हम इसका टिकट प्राइस तो यहाँ लिखा नहीं है, ऑफिस है उनका, मैं टिकट प्राइस पूछता हूँ। जो सीटिंग बस है उसका है 1,70,000 किप। मतलब अपने हिसाब में अगर करें तो वो 680 रुपए तक। और स्लीपिंग से अगर जाए तो 2,20,000 किप। मतलब वो लगभग 850-900 रुपए तक। और बस देखिए ना यार ऐसे रहती है। ये देखिए सवाना खेत वियनटाइन। अभी ये तो है ये स्लीपिंग बस है, लेकिन हम सिटिंग बस से ही जाएंगे। वही मैं पूछने आया था, सुबह 6 बजे से बस है तो जल्दी निकलेंगे सुबह और पहुंचेंगे वियनटाइन को। थाईलैंड से लाओस और लाओस से थाईलैंड जो बस चलती है दोस्तों, फ्रेंडशिप बस जिसे कहते हैं, वो है मुख दहन टू सवाना खेत और सवाना खेत से मुख दहन। ऐसी ये बस है पूरी। और सीटिंग अरेंजमेंट देखिए आप ऊपर। इन बसेस की खास बात ये है कि इनका कैबिन जो है ना, मतलब सामान रखने की जगह इतनी बड़ी रहती है यार, बहुत बड़ी। ये भी है, यह भी है, मतलब ऐसी ये बस सुविधा बहुत अच्छी है लाओस और वियतनाम की। नहीं ना दोस्तों, सवाना खेत की नाइट जो स्ट्रीट फूड रहती है वो दिखाता हूँ आपको, कौन से आइटम्स वो रखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या क्या रखा है। आप देख सकते हो ये मतलब क्या बोले इधर क्या नहीं, इतने सारे चीज़ें मैं यहाँ देख रहा हूँ ना यार। ये देखिए ये बॉयल एग भी मैंने सुबह लिया था, तीन एग्स लिया था मैंने, दो ही एक भी नहीं खाया और वापस कर दिया उनको मैंने। हाँ ये राइस है, ये हम ले सकते हैं, ये राइस अच्छा ही है।
Hey, what is the price? देखिए यार, ये मुंह है ना, किसका है क्या मालूम। ये देखिए, तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप सवाना खेत में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं, यहाँ का बस स्टैंड कैसा है, यहाँ का टाइम टेबल कैसा है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी 6 देशों की यात्रा जो पहुंची है लाओस के सवाना खेत में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।